इंसान का मुकाम समझ जाए। अल्लाह ने जब फरिश्तों को कहा कि इंसान के सामने झुको, और इब्लीस ने कहा कि मैं नहीं झुकता, ये मिट्टी का, मैं आग का हूं, तो अल्लाह ने क्या कहा था? अल्लाह ने कहा था कि तुम्हें भी नहीं पता, फरिश्तों को कहता अल्लाह, कि मैंने इंसान को कितनी सलाहियत दी है, और हम इंसानों को भी नहीं पता कि अल्लाह ने कितनी सलाहियत दी है। वो सलाहियत निकलती कैसे? इंसान अल्लाह की सबसे बड़ी मखलूक बनता कैसे? जब वो नमाज को समझता है, जो पांच वक्त आपको अल्लाह कहता है पढ़ो। आप नमाज में अल्लाह से सिर्फ एक चीज मांगते हैं कि अल्लाह मुझे उनके रास्ते पे लगा जिनको तूने नेमतें बख्शी, उनके रास्ते पे नहीं जो तबाही के रास्ते पे चले गए। ये समझ रहे हैं आपने? सिर्फ एक चीज आप अल्लाह से मांगते हैं, बाकी आप अल्लाह का शुक्र करते हैं, उसकी आप सिर्फ बयान करते हैं कि वो सबसे रहमान और रहीम है, माफ करने वाला खुदा है, और वो मालिक यौम दीन इंसाफ करने वाला है।